ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਚੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਮਾਤ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੋ बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि लंबे समय तो भाई गुरमीत सिंह के इन्हों के साथी जो जेल में बंद सन पिछले समय से पैरोल से आए थे पर अज पक्की जमानते साढ़े नगर पटियाला विखे पहुंचे। मैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साढ़े मानयोग प्रधान भाई हरजिंदर सिंह जी थम वालों इन्हों का स्वागत करना इन्हों बधाई भी देना समुचे परिवार को बधाई देना क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के होर पंथक संस्थावां वक्रे तौर पर अपने अपने तौर पर इन्ह बंदी सिंह बाहर कढ़ने वास्ते बड़ा संघर्ष मिलया होया। अज मैं समझना कि भावें सरकार वालों तो सानू कोई राहत नहीं मिली, सानू गिला भी है सरकार से, पर जुडिशरी ने जरूर साड़ी आवाज सुनी है। पिछले दो तीन महीने हुए हैं भाई लखविंदर सिंह लखा जो भी पटियाला नाल संबंधित सन अजकल लुधियाना जिले रह रहे हैं उन्होंने पक्की जमानत मिली है। दूसरे सिंह भाई गुरमीत सिंह होरी इन्हों पक्की जमानत मिली है। तो मैं आस करदा कि बाकी जो सिंह ने उन्होंने भी जुडिशरी इस तरीके इन्हों भाई साहब ने बाहर भेजे पक्की जमानत दे के उन्होंने भी जल्दी तो जल्दी बाहर भेजा जाए। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अपने पत्र से बाकी संस्थावां नूं नाल लैके ये संघर्ष आ जिहड़ा बंदी सिंघां नूं बाहर कढ़न दा निरंतर जारी रहेगा जिन्ना चिर सरकारां इस पासे जुड़दियां ने, क्योंकि असीं आस भी रखते हैं सरकारां नूं साडा फर्ज भी आ साडा हक भी आ कि जो इन्हां नूं सज़ा कोर्ट ने दित्ती सी लगभग 20 साल वो पूरी हो गई, पूरी होने तो बाद 7-7, 8-8 साल उपर क्योंकि 27 साल तो भाई गुरमीत सिंह होरी जेल कट के आए हैं, कुछ सिंह ने 30 साल भी कट लिए, कुछ इस तो भी उपर ने। सो जी ये सज़ा 20 साल कट के उपरली जी सज़ा वो मैं कहना इन्होंने हकों को असं इन्हों वाझे कर रहे हैं। सरकार को इस पास सोचना चाहिए भावों स्टेट की सरकार भाई भुल्लो साहब जो बैठे ने केजरीवाल साहब के साइन वाला जो जेल चो बहर आ सकते पर पता नहीं की मनुष्य ना सरकार की भावें सेंटर सरकार भावें सूबा सरकार इस पास ध्यान नहीं दे रही। तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बाकी संस्थावों को नाल लैके संघर्ष इदा ही साडा जारी रहेगा ताकि जल्दी तो जल्दी इन्होंने जेलों तो बाहर लिया जा सके। पक्के तौर पर जिन्ना चिर मैं पहले बेनती की है कि जिन्ना चिर पक्के तौर पर बंदी सिंह बाहर नहीं आ जाते उन्ना चिर साडा संघर्ष जो लगातार जारी रहेगा। अस चाहवे ये सारे जिन्हें बंदी सिंह संघर्ष कौम वास्ते वड्या कोई अपना निजी फवाद इन्हों का है नहीं, इस करके कौम इन्होंने नाल खड़ी है। श्रोमणी गुरमीत सिंह जी पक्की रिहाई हुई है तो किस तरह महसूस कर रहे हैं? वड्डी राहत महसूस कर सतगुरां दा धन्नवाद करना कि यह मौका मैंने दिता। जुडिशरी के मन उन्होंने मेहर पाई है, संगत दीआं अरदासां प्रवान कीतीआं ने। पहला पेरोल पर आया जाता सीगा कुछ समय लिए तो हम पक्के तौर पर जमानत मिली है कि जीवन सार्थक करने वास्ते किस तरह की योजनावां पुछे कुछ? बिल्कुल सतगुरां ने सानूं किरत करन दा संदेश दिता, मैं भी अपने किरत करके ही अपना जीवन किया। पहला भी तुसीं आंदे सी जदों जिन्ना कोई सौण दी किरत करदे सी अपना आटा चलाउंदे सीगे उस कारोबार नूं अगे करोगे जां कुछ नवां जिवें तुसीं इंजीनियरिंग भी कीती हुई है पढ़े लिखे कुछ होर सोचोगे? कुछ होर सोचांगे जी, मतलब कि अपने जिम्मे हम लंबा समय से प्लैनिंग करने का मौका हैगा, एक कोई कारोबार शुरू करने का भी मौका है। पहले 28 दिन तो यह सब कुछ नहीं किया जा सकता इस करके वह जो उदों सुझे उदों वो किया हम सोचेंगे कोई ठीक तरीके का काम किया। बड़ा लंबा समा सीगा जिहड़ा तुहानूं अंदर गुजारना पे हैगा की गुजारिश करोगे आने वाले समय के लिए सरकार कि हुण होर समा उड़ीकना चाहिए या उन्होंने उस पर फैसला देना चाहिए? सरकार को मेरी यही बेनती है अपील है भी जिन्होंने अपन सजावं पूरी कर चुकिया उन्होंने तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। तो ये तो इन्होंने वास्ते किसी कौम किसी व्यक्ति संघर्ष नहीं करना चाहिए, ये तो मन का हक है वो उन्होंने बिना संघर्ष किए मिलना चाहिए। समय समय से SGPC मुलाकात करते हैं उन्होंने वालों कोई सहायता भी दी जाती है जी? हम पिछले 2-3 महीनों जो कि उन्होंने 20,000 रुपया महीना साइड सहायता कर रहे हैं उस वास्ते उन्होंने बहुत धन्यवाद है। तो चलो इदा भी जिम्मे 20,000 रुपये के हूँ पहले तो 20,000 रुपये कमा सोचे हम चलो 20,000 तो अगर सोचा है